Assalamualaikum students, welcome to Fa Group of Education. मैं हूं सर वसीम। तो students, मैं आप लोगों को आज की मीटिंग के हवाले से आगाह करूंगा कि आज की मीटिंग में क्या फैसला हुआ है। ठीक, तो गौर से सुनिएगा। आज की मीटिंग में जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ऑप्शन दिए गए हैं उस देखते हैं। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि जो बच्चों के जो बोर्ड के एग्जाम है ठीक उनको ऑनलाइन बेसिस पे ले लिया जाए। मींस के कुछ ग्रुप्स में बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए, डिफरेंट स्कूल्स में कुछ ग्रुप्स में बुलाया जाए ठीक, और फिर उनके ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यूज बेस पर ले लिए जाए ठीक। पहला तो ऑप्शन ये दिया गया है। और फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है बच्चों के लिए कि जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम होते आ रहे हैं सेम इसी तरह से हो, और जो के बोर्ड के जो सेंटर्स है उनमें इजाफा किया जाए, और बच्चों के जो बैठने का जो निज़ाम है उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाए कि हर बच्चे के की सीट में दूसरे बच्चे की सीट से तकरीबन 6 फुट का फासला हो ठीक। तो एक तो दूसरा ऑप्शन ये दिया गया ठीक। और जबकि तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि बच्चों को बुलाकर सिर्फ ओनली एमसीक्यूज बेस पर पेपर ले लिया जाए ठीक। जबकि चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि 9 और 10 को क्या कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए ठीक, और फर्स्ट ईयर को भी प्रमोट कर दिया जाए, और जुलाई में सेकंड ईयर के पेपर ले लिए जाएं। इस तरह के ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ठीक। अब इन चारों ऑप्शंस पे जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो गौर फिगर करेंगे, और 15 मई को ये मीटिंग दोबारा होगी ठीक। फिर उस 15 मई की इस मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि किस ऑप्शन को एक्सेप्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आपने बोर्ड की अपनी तैयारी करनी है, चाहे पेपर हो या ना हो, क्योंकि सबकी कोशिश यही है कि पेपर हो ठीक। तो हो सकता है कि जो ज़्यादा चांसेस है वो यही है कि पेपर होने के। तो स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है ठीक, और बहुत अच्छी मेहनत करनी है आपने। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई और न्यूज़ आएगी मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।